दोस्तों राजनीति काम कैसे करती है ये आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मैं हिंट दे देना चाहता हूं। वैसे आपको पता ही है, अभी आपको पता ही होगा कि 14 अप्रैल के दिन सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी। दो शूटरों ने हमला किया था और फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी जो है लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने ली थी कि हम तो सिर्फ डरा रहे हैं, जता रहे हैं कि भाई हम जिंदा हैं, तेरा काम कभी भी तमाम कर सकते हैं। उसके बाद उनके ऊपर मकोका भी लगाया गया और फिर दो शूटर जो गिरफ्तार किए गए थे जिनका दिल्ली और बिहार के रहने वाले थे और इंटरनेशनल गैंग से कनेक्शन वगैरह भी सामने आया। लेकिन अब ये पता चला कि एक शूटर जो है उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली। हालांकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि उसने जेल के बाथरूम में आत्महत्या क्यों की, कैसे की। कहा यह जा रहा है कि उसका मर्डर कर दिया गया, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता आपको टीवी चैनल पर दिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि उस शूटर ने आत्महत्या की है, उसका मर्डर किया गया। ये वही विपक्ष है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये कह रहा था कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, बीजेपी को और बाकी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तब ये बातें कर रहे थे, लेकिन अब इस शूटर की मौत हो गई है तो कह रहे हैं कि इसकी जाँच पड़ताल होनी चाहिए। इतना बड़ा सेलिब्रिटी मर गया, उसकी जाँच में कोई सहयोग नहीं किया गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा, और अब एक शूटर मर गया तो उसके ऊपर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि उसे मारा गया कि नहीं मारा गया। तो ऐसी राजनीति काम करती है, और राजनीति ऐसे ही काम करती है कि सब कुछ गायब हो जाता है और पता कुछ